जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा सिर्फ छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती परीक्षा की। और इस वीडियो में मैं ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे हम सब मिलकर क्या प्रयास करेंगे जिससे ये भर्ती जल्द से जल्द क्या हो सकती है, चालू हो सकती है। ठीक है, तो आज का जो पूरा वीडियो रहेगा सीजीएसआई के ऊपर रहेगा। और सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूँ। अगर ये खबर सही है तो एक बहुत ही अच्छी खबर है और ये खुशखबरी भी है। ठीक है, सबसे पहले एक खबर देखिए। खबर है, एक वेबसाइट है A to Z खबरी। ठीक है, इसका जो आर्टिकल छपा हुआ इसने डाला है, वो जो आर्टिकल देखिए, डेट 7 मार्च 2021 का डेट है। और इसने लिखा है कि छत्तीसगढ़ में 655 पदों में SI की भर्ती पुनः प्रारंभ होगी। CGSI भर्ती पोस्ट 655 CGSI रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2021। तो इसमें CGSI का रिक्रूटमेंट नोटिस 2021 इसने डाल दिया, हालांकि जो है वो 2018 का है। और पुनः प्रारंभ हो गया क्या मतलब है, ये पहले प्रारंभ हुई ही नहीं है अभी तक, सिर्फ फॉर्म लिया गया है, ये प्रारंभ ही नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, तो 7 मार्च 2021 को इसे नोटिफिकेशन ये डाला था। ठीक है, उसके बाद इसने आगे सब चीजें जो डिटेल थी, जो भर्ती की डिटेल है, उसने आगे यहाँ पे बताया हुआ कि छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर सहित अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूर्ण होने की संभावना है। अरे भैया, जब स्टार्ट होगी तब ना पूर्ण होगी, है ना, पूर्ण कहाँ से होगी इसमें, अभी स्टार्ट तो हो जाए पहले। छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती 655 पदों पे CGSI रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2021। ठीक है, तो ये 7 मार्च का आर्टिकल छपा हुआ A to Z खबरी में। इस वेबसाइट में इसका नंबर नहीं मिला, नहीं तो मैं कॉल करके पूछता, हालांकि मैंने एक मेल डाला हुआ है इसके, उसमें कि यह भर्ती प्रक्रिया आपको जो जानकारी मिली है ये कहाँ से मिली है। ठीक है, तो अगर ये खबर सही है तो हो सकता है अगले 1 से 2 महीने में या अप्रैल तक की क्या है इसमें कुछ प्रोसेस चालू होने की संभावना बन सकती है। तो भर्ती स्टार्ट होने की संभावना, तो हमको सिर्फ संभावना में जीवित नहीं रहना है। ठीक है, हमको अपने तरफ से कुछ प्रयास करने पड़ेंगे जिससे जो भर्ती की जो प्रक्रिया ये जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके। पहली बात तो जो छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा का मामला है, ये अब तक का छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे अनोखी भर्ती प्रक्रिया आई है। ये अनोखी भर्ती प्रक्रिया इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये 3 साल से अटकी हुई है। इसका जब आप थोड़ा सा देखेंगे, 2018 में जब अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आया था पिछले गवर्नमेंट के द्वारा और 655 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, तो उस गवर्नमेंट को, पिछली जो गवर्नमेंट है BJP की, मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, उनको ये पता था कि ये भर्ती मैं कंप्लीट नहीं करा पाऊँ क्योंकि नवंबर में तो चुनाव है। जब उन्हें ये पता था कि मैं भर्ती कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा, 655 पदों पर भर्ती निकाल दी थी, तो उसके बाद इसमें एक और गेम खेला गया था। गेम ये खेला गया कि 8 कैटेगरीज में भर्ती निकालने के बाद चाहते तो सभी के लिए एक ही फिजिकल था और एक ही दो पेपर अलग थे, सिर्फ वो जो स्पेशल वाले थे उनके पास पेपर था, बाकी पेपर भी सेम थे। तो एक ही फॉर्म लेकर क्या करा सकता था, प्रायोरिटी के साथ उसको सेट किया जा सकता था कि अगर आप पहले इसमें जाना चाहते हो, इस भर्ती को ले, इस पोस्ट को ले, दूसरा इस पोस्ट पे। ऐसा नहीं किया गया, सभी के लिए 400-400 रुपये आवेदन ले लिए गए, फीस ले ली गई। और सभी क्या है, उस समय से ही जो बच्चे हैं वो कन्फ्यूजन में है कि अगर हम लोगों ने 3 फॉर्म डाल दिए हैं तो हमको भर्ती देने के लिए या फिजिकल देने के लिए 3 मौके मिलेंगे क्या, रिटर्न देने के लिए 3 मौके मिलेंगे क्या। तो उस समय से ही कन्फ्यूजन ये बना हुआ है और किसी को भी ये क्लियर नहीं है कि हमने 3 फॉर्म डाले हैं तो मैंने सूबेदार के लिए पहले मैं रनिंग करूंगा, फिर सब इंस्पेक्टर के लिए रनिंग करूंगा, फिर प्लाटून कमांडर के लिए रनिंग करूंगा, क्या ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो एक अभ्यर्थी है वो एक बार 1500 रनिंग क्लियर कर लेता तो सभी में क्लियर कर लेगा, हालांकि अगर कुछ दिक्कत नहीं होती है उसको फिजिकल रूप से। तो ये जो भर्ती जो प्रक्रिया है 2018 से ही क्या है, इस प्रकार से लंबित चल रही है कि 8 कैटेगरीज में 8 प्रकार के फॉर्म मांग लिए गए और सभी में क्या है, भर्ती की प्रक्रिया एक ही है। खैर छोड़िए, रात गई बात गई, नवंबर 2018 में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, सरकार का परिवर्तन हुआ और पिछले लगभग 2.5-3 साल से ये भर्ती प्रक्रिया क्या है, रुकी हुई है। जब भी विधानसभा में हो या बाहर गृह मंत्री से सवाल पूछा जाता है कि भर्ती प्रक्रिया कहाँ तक है, तो सिर्फ जवाब यही मिलता है कि जो भर्ती प्रक्रियाधीन है। तो ये अब समय आ गया है कि जो भर्ती जो है उसकी प्रक्रिया को खत्म किया जाए और कब तक आखिर जो भर्ती है वो प्रक्रियाधीन रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और बहुत से अभ्यर्थियों को CG कांस्टेबल का जो 5 फिजिकल हो गया है उसके बाद मन में डाउट भर गया है कि जो CGSI की जो भर्ती परीक्षा होगी उसे 5 फिजिकल होंगे या सिंगल फिजिकल होगा, पहले रिटर्न होगा या पहले फिजिकल होगा। ठीक है, तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत क्या है, मुझे को समझ नहीं पा रहा हूं मैं इसे, इतना माहौल आप लोग मत बनाइए। 2018 में जिस प्रकार से नोटिफिकेशन आया था और जिस प्रकार से आपने फॉर्म डाला उसी प्रकार की प्रक्रिया इसमें होनी चाहिए या होगी, मैं कह सकता हूं। उसमें लिखा गया चयन प्रक्रिया में पहले 1500 मीटर की दौड़ होगी और उसके बाद क्या होगा, रिटर्न का एग्जाम होगा। और अगर गवर्नमेंट इसमें चेंज कर सकती है, गवर्नमेंट अगर इसमें चेंज करती है तो उसके एक शुद्धि पत्र जारी करना पड़ेगा, उसके लिए 2 से 4 महीने का और समय देगा आपको कि अगर पहले जो भी अगर फिजिकल चेंजेस होते हैं, रिटर्न में चेंजेस होता है, तो ये भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, उससे और लेट हो जाएगी। लेकिन हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, छत्तीसगढ़ राजपत्र जो अधिकरण प्रकाशित हुआ है इसमें देखिए, यहाँ पे 8 फरवरी 2018 का ये राजपत्र में प्रकाशित हो गया था और भर्ती कब आई थी हमारी, अगस्त में आई थी। ठीक है, SI की भर्ती यहाँ पे नीचे लिखा गया है,
ऑनलाइन आवेदन भर्ती प्रक्रिया के ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे, जिसके लिए परीक्षा शुल्क विभाग द्वारा तय किया जाएगा। और उसमें सेकंड में लिखे सारी दक्षता परीक्षा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है 1500 मीटर की दौड़ होगी जिसे 540 में मिनट में पूरा करना होगा, और महिलाओं के लिए क्या होगी 800 मीटर की दौड़ होगी जिसे 3:20 में कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये रनिंग होने के बाद सेकंड फेज में आपका क्या आता है, लिखित परीक्षा आती है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दक्षता और एप्टीट्यूड होगा, 100 अंकों की होगी। और फिर सेकंड लिखा हुआ यहाँ पे देखिए सामान्य ज्ञान की भर्ती परीक्षा होगी। तो ये जो राजपत्र में प्रकाशित हो गया था, ये जो डेट थी 8 फरवरी 2018 की थी, हमारा फॉर्म अगस्त में आया है, तो अगर उसमें चेंजेस होते हैं तो पहले यहाँ भी चेंजेस उनको करना पड़ेगा। और ये क्या है, काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और वैसे ही भर्ती प्रक्रिया 2.5 साल लेट चल रही, तो आने वाली भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, जब स्टार्ट हो रहा तो और वो लेट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केवल जैसे आपने फॉर्म लिए हैं, जिस प्रकार से नोटिफिकेशन निकाला था, उसी प्रकार से क्या होना चाहिए, आपको भर्ती होनी चाहिए। तो इस भर्ती प्रक्रिया में आखिर किया क्या जाए, पिछले 3 साल से लंबित है, किसी से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। राज्यपाल को प्रतिवेदन दिए गए, गृह मंत्री को प्रतिवेदन दिए गए, बहुत सारे आवेदन दिए गए, विधायकों को आवेदन दिए गए, लेकिन किसी से कुछ सकारात्मक जवाब ही नहीं मिल रहा है। कोई प्रक्रिया के बारे में बता ही नहीं रहा है, कब प्रारंभ होगी, कब इसके लिए मतलब मांगे जाएंगे। अब आलम ये हो गया है कि जो नए अभ्यर्थी जो आ रहे हैं, वो भी ये सोच रहे हैं क्या हम इसमें फॉर्म डाल पाएंगे, क्या क्या हम इसमें फॉर्म डालेंगे, हमारा फॉर्म लिया जाएगा। उस समय हमारी आयु नहीं थी 2018 में, लेकिन हम उस कैटेगरी के अब हो गए हैं, अब हमारी आयु 21 वर्ष हो गई है, हम ग्रेजुएट हो गए हैं, तो क्या इसमें हम भी फॉर्म डाल सकते हैं क्या। तो इस समय जो भर्ती की प्रक्रिया है वो तब से अटकी हुई है और ये चालू नहीं हो रही है, इसके बारे में कोई जवाब भी नहीं मिल रहा है। तो अब कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कि हमको सड़क पे उतरना पड़ेगा, मुख्यमंत्री निवास का घेराव करना पड़ेगा। एक दो बार आंदोलन भी हुए, उसके लिए प्रयास भी हुए, लेकिन जो आंदोलन में एक प्रकार का वो अंदर से वो आना चाहिए कि सभी लोग एक साथ हैं, उन लोगों की जो सहभागिता है वो है, तो वो दिखाई नहीं पड़ती। अधिक से अधिक लोग हैं वो आंदोलन में नहीं पहुँच पाते हैं, ना ही कोई बड़ा आंदोलन क्रिएट हो पाता है, क्योंकि आपस में क्या होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता है। कुछ लोग सरगुजा संभाग में, कुछ बस्तर संभाग में, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, और रायपुर तक पहुंच पाना सबके लिए संभव भी नहीं है। और आगे चलकर कभी कोई बड़ा आंदोलन होता है, एकजुटता भी दिखाई जाती है, तो आंदोलनों को दबाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता सरकारों के लिए, 2-4 पुलिस के डंडे पड़ते हैं और लोग क्या है भागना वहां से चालू हो जाते हैं। बड़े बड़े आंदोलन दिल्ली में आंदोलन हुए, स्वामी बाबा रामदेव का आंदोलन, उसको दबा दिए, बहुत बड़े भी किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। सरकार को झुका पाना इतना आसान कार्य नहीं होता आंदोलन करके, जितना हम लोग समझते हैं कि हम आंदोलन करेंगे और चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएंगी, ठीक है। हालांकि बहुत सारे आंदोलनों से सरकार में परिवर्तन आता है और समाज में भी परिवर्तन आता है, लेकिन अभी हम लोग को करना क्या है। अगर मैं बात करूं, ये मेरा व्यक्तिगत जो है विचार है कि हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूं, आज के इस वीडियो में 4 काम बताऊंगा। अगर वो 4 चीज़ें हम सब मिलकर के लगातार करते रहते हैं तो निश्चित तौर पर जो छत्तीसगढ़ की जो एसआई की भर्ती रुकी हुई है वो अगले 2 से 3 महीने में स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं बात करता हूँ पहला काम की, वो बात करता हूँ कि पहला काम हम लोग को क्या करना है। जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं या ना भी भरे हों, दूसरे परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हों कि ये परीक्षा आएगी वो परीक्षा आएगी, तो वो सुबह शाम जाके अगर रनिंग करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, शारीरिक रूप से प्रताड़ित होते हैं अगर भर्ती नहीं आती है, उसके बाद घर में आते हैं ताने सुनते हैं, मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होते हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थी या लड़कियां ऐसी हैं जो 2018 में फॉर्म डालने के बाद अब वो क्या है शादी कर चुके हैं, किसी दूसरे काम में चले गए हैं, तो उनका पैसा ऑलमोस्ट समझिए जो अगर भर्ती नहीं दे पाते हैं तो बर्बाद ही हो गया, ठीक है। बहुत सारे 4-4, 3-3 फॉर्म डाले हुए अभ्यर्थी हैं। तो सबसे पहला मैं ये काम करता हूँ, अगर आप 2 टाइम रनिंग करने जा रहे हैं या 1 टाइम भी रनिंग करने जा रहे हैं, तो जो रनिंग का समय है उसको थोड़ा सा कम कीजिए, और डेली 2 घंटे आपके जो नियरेस्ट मतलब जो आपके नज़दीक में जो विधायक का घर है या विधायक जो निवास है वहाँ जाके आपको मिलना पड़ेगा, और अकेले नहीं जाना है। लगभग जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं 10 से 15 व्यक्ति जाएंगे, और कोई वहाँ पे घेराव करने या वो करने नहीं जाना, आपको सिर्फ मिलने जाना है, मीटिंग करने जाना है। जैसे चुनाव आता है ना, तो विधायक और जो नेता लोग क्या करते हैं, हाथ जोड़ के आते हैं, हमें वोट दीजिएगा, हमारा ये मैनिफेस्टो है, हमारा ये है, तो आपको बस मिलने जाना है कि और पूछना है मिल करके कि CGSI की भर्ती कब होगी, वो बोलेंगे प्रक्रियाधीन है। तो कहीं ना सिर्फ ये बात कहनी कि एक बार गृह मंत्री या मुख्यमंत्री जी से फ़ोन लगा लीजिए और बात कर लीजिए कि भर्ती कब होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम आपको डेली जाके वहाँ निवास में 15-20-25 लड़के या लड़कियाँ सब मिलके सिर्फ वहाँ बैठ के आना है, आपको डेली जाना पड़ेगा बैठने के लिए वहाँ पे। सुबह 7 बजे जाइए वहाँ विधायक निवास में, 1-2 घंटा बैठिए, जिसकी पहचान होगी धीरे धीरे आपसे विधायक से पहचान भी हो जाएगी, आप चाय नाश्ता भी करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन डेली आपको विधायक के नंबर से या विधायक जी जो भी हों आपके नियरेस्ट, उनको एक बार गृह मंत्री और एक बार मुख्यमंत्री को उनसे फ़ोन लगवाया जाए कि हमारे पास 15-20 बच्चे आए हैं, अपनी समस्या लेकर के आए हैं, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि छत्तीसगढ़ में एसआई की भर्ती
कब से स्टार्ट होगी। तो यह प्रक्रिया आपको 1 से 1.5 महीना 2 महीना करनी पड़ेगी और यह आसान प्रक्रिया है क्योंकि आप डेली रनिंग करने जाते होंगे, आप घर से बाहर निकलते होंगे, आसपास का जो विधायक का जो क्षेत्र होगा वहाँ आप सभी सरगुजा वाले भी पहुँच सकते हैं, बस्तर वाले भी पहुँच सकते हैं। जो व्यक्ति जिस जिले में, एक जिले में 3 से 4 विधानसभा की सीटें होती हैं, तो उस जगह आपको आसानी से पहुँच सकते हैं और आपको ये काम निश्चित तौर पर करना ही पड़ेगा। कहीं पे घेराव जाके कोई हुड़दंग या दंगा फसाद नहीं करना है, सिर्फ जाके मीटिंग करनी है, मिलना है कि हम अपनी अर्जी लेकर के आए हैं कि छत्तीसगढ़ में एसआई की भर्ती कब होगी। एक बार आप फोन कर लगा लीजिए, पूछ लीजिए, वो बोलेंगे जल्द हो जाएगी, तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी या ट्विटर के माध्यम से या पुलिस की वेबसाइट में हमें दिलवा दीजिए, बस इतनी सी बात होगी। ये पहला काम है, आपको लगातार क्या करना पड़ेगा, 2 घंटे जाकर विधायक निवास बैठना पड़ेगा, वो मिलेंगे कभी कभी नहीं मिलेंगे, कभी आप वहाँ पे हो सकता है आपका समय भी बर्बाद हो, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। और ये जो विधायक से आप मिलने जाएंगे ना, तो इस समय कोई राजनीति नहीं करनी है, वाले समय 5 राज्यों में चुनाव, लेकिन किसी राज्यों से हमको उनके चुनाव के संबंध में कोई ट्वीट नहीं करना है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ विधायक से जाके मिलना, और विधायक में भी जो 4 प्रमुख विधायक हैं उनके जिम्मेदारी अधिक रहे कि उनसे अधिक से अधिक लोग जाके मिले। तो जो इसमें सबसे बड़ी गलती मुझे लगती है व्यक्तिगत तौर पे, जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के घर में आपको जाके मिलना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा कि आपके समय भर्ती आई थी, हमने फॉर्म डाला था, इसकी भर्ती के लिए आप विधानसभा में सरकार के ऊपर दबाव बनाइए। दूसरा, जो नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक जी का जो विधानसभा क्षेत्र होगा, वहाँ के व्यक्ति जा करके उनसे मिले। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से आपको मिलना पड़ेगा, विधायक निवास से मिले या जहाँ भी मिले। तो आपको ऐसा नहीं कि मिल गया आपने प्रतिवेदन, आपको प्रतिवेदन लेटर वेटर कुछ लेके नहीं जाना है, आपको सिर्फ डेली जाके 2 घंटे वहाँ बैठना है उनके पास, डेली मिलना है। और उसके बाद गृह मंत्री तामदो साहू जी के यहाँ भी आपको डेली 2 घंटे जाके मिलना है। आप रनिंग को छोड़िए, एक अगर आप रनिंग नहीं छोड़ सकते तो 1 दिन रनिंग कीजिए, 1 दिन मिलने जाइए, फिर 1 दिन रनिंग कीजिए, फिर 1 दिन मिलने जाइए, आपको ये करना पड़ेगा अगले 2 महीने तक। ये मेरे अनुसार है, आप लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिए, सर आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया आपको पहला काम। दूसरा काम मैं आपको बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की जब आप लोग वेबसाइट खोलेंगे, यहाँ पे देखिए, उसमें वेबसाइट में एक मंत्रिमंडल नाम के क्या है ऊपर में आपको कॉलम दिखेगा। तो मंत्रिमंडल का जब कॉलम दिखेगा तो वहाँ पे देखिए, मंत्रिमंडल में जो पूरा 13 जो मंत्रिमंडल है वो सभी के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, उनका पद दिया गया है, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र दिया गया है, यहाँ पे दूरभाषी पता एवं दूरभाष केंद्र दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, नंबर भी दिया हुआ, ठीक है। तो सभी लोग के नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, श्री रविंद्र चौबे जी हैं, इनका यहाँ पे नहीं दिया गया। तो इसमें 13 लोग का जो लिस्ट है वो मैं आपको दे दूंगा, यहाँ पे देखिए स्क्रीन में डिस्प्ले होगा, और ये मैं कोई ऐसी जानकारी आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ जो नहीं करनी चाहिए, ये सभी ओपन है। विधानसभा की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको 13 व्यक्तियों के नाम मिल जाएंगे, वहाँ से नंबर मिल जाएंगे। इन नंबरों पे दिन में लगभग आपको 5 बार फोन करना ही है, या तो आपकी बात सुनी जाएगी इस नंबर में फोन करके, क्या करेंगे, सीजी एसआई की भर्ती कब होगी, इसके लिए कब आएगा, फोन रख दिया जाएगा, आपसे बात नहीं की जाएगी। फिर शाम को आप लगाएंगे सीजी एसआई की भर्ती कब होगी, इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा। आपको ये प्रोसेस हर व्यक्ति को 3 से 5 बार करना है। और ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, इसको जो छत्तीसगढ़ विधानसभा की जो ग्रेड 3 की भर्ती आई थी या फिर जो सहायक मार्शल की भर्ती आई थी, वो लोग भी क्या करेंगे, इसको अपनाएंगे। 13 व्यक्ति हैं यहाँ पे नाम, या तो कोई नंबर नहीं चलना चाहिए आपके फोन से परेशान होकर के, दूसरे काम नहीं होना चाहिए, या तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए। नंबर इसीलिए दिए गए हैं कि जो जन व्यक्ति हैं, जो सभी सामान्य व्यक्ति हैं, वो इसमें फोन लगाएं और अपनी बात को रखें, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ विधानसभा की वेबसाइट में, जो संपर्क में जाके देखेंगे तो वहां पे प्रमुख सचिव श्री चंद्रशेखर गंगराड़े जी का यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया हुआ है, और फोन नंबर दिया हुआ है, फैक्स दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो आपको इतना सारा मेहनत करने की जरूरत नहीं, जो ये फोन नंबर है, ठीक है, फोन नंबर पर आपको डेली कॉल करना है कि छत्तीसगढ़ सहायक की भर्ती कब आएगी, या विधानसभा ग्रेड 3 की भर्ती कब आएगी, या आप सहायक मार्शल की भर्ती कब आएगी, ठीक है। जब तक आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड को फोन लाके बात करते होंगे दिन में 4 बार 5 बार, हेलो क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, वैसे ही क्या करना है आपको अपनी भर्ती के लिए यहाँ पे फोन लगाना है, कि ये फोन जब तक लग रहे हैं तब तक फोन लगाना है। और ऐसा नहीं है कि अगर ये पुलिस डिपार्टमेंट का मैटर है तो तामधर साहू जी को फोन लगा, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं 13 के 13, आपको 13 के नंबर पर फोन लगाना है। एक का नंबर नहीं लगा तो दूसरे को लगाना है, दूसरे ने तीसरे को लगाना है, इन सभी के नंबर को सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में, और लगातार इसमें आपको क्या करना है, कॉल करते रहना है। ये आपका दूसरा काम था। तीसरा काम है जो मेरी तरफ से मेरा विचार है, तो अभी रायपुर में सेफ्टी वाला मैच चल रहा है, ठीक है, पूरा नाम मुझे याद नहीं, लेकिन रायपुर में रोड सेफ्टी के लिए आई थिंक मैच चल रहा है, जिसमें विदेशी खिलाड़ी आए हुए हैं और लाइव टेलीकास्ट होता है कलर के टीवी में। तो वहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति ने बैनर लगाया था, वहाँ पोस्टर लेकर खड़ा था, जय जोहार इंग्लैंड,
दुगना लगान दे ला पर ही, ठीक है। तो ये कॉमेडी थी, ठीक है। तो इस समय सभी व्यक्तियों से मेरा अनुरोध है, रायपुर निवासी हों या जो बहादुर के व्यक्ति हों जो रायपुर में मैच देखने जा रहे हों, अगर पास पोस्टर नहीं है तो एक कार्ड में आप लिख करके सीजी 3 साल से रुकी हुई सीजी एसआई भर्ती कब होगी, बस इस चीज़ को आपको वहाँ प्ले कार्ड में दिखाना है। 2-4 दिन ही बचे हुए मैच के लिए, इसको आप लोग दिखाना है, नेशनल मुद्दा इसको बनाना है, टीवी पे करना है, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट मैदान पे नहीं उतरे, इससे पहले आपने राज्यपाल को प्रतिवेदन दिया है और गृह मंत्री को प्रतिवेदन, कितने लोगों को प्रतिवेदन दिया, कहीं पे आपकी बात नहीं सुनी जा रही, इसलिए आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं। और इसके लिए मैं बता दूं, जो पहले मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था, ललन टॉप जो डॉट कॉम चैनल है, ठीक है, यूट्यूब चैनल, उसके सौरभ द्विवेदी जी ने इस मुद्दे को उठाया था। 17 मिलियन सब्सक्राइबर है उनके, ठीक है, 17 मिलियन सब्सक्राइबर, मतलब 1 करोड़ से अधिक लोग, अगर पूरे लोगों ने नहीं भी देखा हो तो लगभग 1 करोड़ लोगों ने मुद्दे को देखा हो कि छत्तीसगढ़ में जो एसआई की भर्ती परीक्षा है वो 3 सालों से रुकी हुई है। तो एक जो भी वहाँ मैच देखने जाएं, तो प्लीज़ मेरा अनुरोध है कि एक बैनर वहाँ पे सीजीएसआई के लिए जरूर लेके जाएं जो 3 साल से भर्ती रुकी हुई है। ना भी लिख पे जाएं तो पोस्टर में आप लोग स्केच पेन वगैरह से लिख भी सकते हैं इस बात को कि छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा कब होगी, ठीक है। तो ये तीसरा काम था, 2-4 दिन हो सकता है मैच बचे हों, बहुत कम समय बचा हो, तो इसके लिए एक बार जरूर आप लोग प्रयास कर सकते हैं। तीसरा काम मैंने आपको बता दिया, चौथा काम मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। चौथा काम करना है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। मेरे सभी से अनुरोध है कि जितने भी यूट्यूबर हैं, जो भी जिनका भी चैनल चल रहा है या फिर इंस्टाग्राम में जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो उन लोग क्या करें, सिर्फ आपका यूट्यूब चैनल किस विषय से लेकर है, किसी भी विषय से लेकर के हो सकता है, आप एटलीस्ट उसमें 1 से 2 वीडियो सीजीएसआई के संबंध में जरूर बनाएं। कोई भी यूट्यूब का व्यक्ति हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड हो, चाहे ना हो, ये रोजगार का मामला है, 1.5 लाख युवाओं का सवाल है, तो जितने भी यूट्यूबर हैं, फेसबुक हैं और इंस्टाग्राम वाले, सभी इस मुद्दे को जरूर एक बार उठाएं। दूसरा, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो लॉ की स्टडीज कर रहे होंगे या उनका प्रोफेशन होगा या उस व्यक्ति को जानते होंगे, तो एक बार कोशिश करिए कि हाईकोर्ट में PIL लगाई जाए इस संबंध में, जनहित याचिका, 1.5 लाख जो युवा हैं उनके रोज मतलब भविष्य का सवाल है। तीसरा बात मैं ये कहूँगा, बहुत सारे जो हमारे जो व्यक्ति हैं वो क्या जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, पत्रकार वगैरह हैं, ठीक है, जर्नलिज्म का काम करते हैं, तो उनसे उम्मीद करूंगा हर दूसरे तीसरे दिन एक कहीं से छोटी सी न्यूज़ हो गया या जो भी हो गया उसको आप जरूर चलाते रहे। सीजीएसआई का मुद्दा आपको उठा के रखना पड़ेगा, तभी भर्ती जल्द से जल्द हो सकती है, ठीक है। और चौथा उन लोग के लिए है जो ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस करते हैं या टीचिंग देते हैं, जिनकी नेतृत्व क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी है, 40-50 व्यक्ति को वो एक साथ पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, तो उन लोगों को जो एक काम करेंगे विधायकों से मिलने वाला, तो सभी लोग इसमें साथ देंगे, अधिक लोगों को क्या करना है इसमें जोड़ के करना है। और एक लास्ट अनुरोध वो लोगों से, जो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ घर में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो अधिक से अधिक क्या करें, ये सब जो चीज़ें होंगी सोशल मीडिया पे, उसकी वीडियो एटलीस्ट वो शेयर करें। क्या करना है आपको, मोबाइल से वीडियो अधिक से अधिक तक लोगों तक शेयर करना है। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से आपको 4 सुझाव दिए हैं, आपको जो सुझाव अच्छा लगा वो आप लोग कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगा तो आप लोग मत कीजिए, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे चीज़ें गलत बोली है। दूसरा ये बताऊं कि इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे कोई ऑप्शन नहीं बचे हुए हैं, हमारे अंदर क्या उतनी ज़्यादा एकजुटता भी नहीं बची कि लोग को धरना प्रदर्शन के लिए बुलाओगे और वहाँ पर लोग पहुँच जाएंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं बात करता हूँ राजस्थान की, राजस्थान में भी भर्ती प्रक्रिया कुछ प्रकार इसी प्रकार के मामले चल रहे हैं, तो उन्होंने जो युवा है उन्होंने क्या किया उस लिए, तो राजस्थान में भी कुछ इस प्रकार के मुद्दे चल रहे थे, भर्ती बहुत सारी लेट चल रही थी, तो सरकार ने देखी, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, गहलोत सरकार से नाराज युवाओं ने शुरू किया नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान। वहाँ के व्यक्तियों ने पूरा संघ बनाया हुआ है, अगर आप नौकरी नहीं देंगे तो वोट नहीं देंगे। दूसरी बात मैं इसमें ये भी करता हूँ कि जो आगे उन्होंने क्या किया है कि राजस्थान के बेरोजगारों ने 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी खड़े करने की घोषणा की है। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में 4 जो सीटें थी वहाँ पे उपचुनाव होने वाले हैं और वहाँ के लोग इतने परेशान हो गए हैं कि एक बेरोजगार नेता या बेरोजगार जो युवा व्यक्ति है जो उनकी बात सुनेगा तो कांग्रेस की वोट काटने के लिए, या फिर जो वहाँ सरकार उसकी वोट काटने के लिए, उन्होंने क्या किया, बेरोजगार प्रत्याशी क्या किया विधानसभा के चुनाव में खड़ा कर दिया है। तो उनके अंदर एक एकजुटता, उन्होंने संघ बना करके ये सब काम किए, तो हमारे पास उतने ऑप्शन नहीं है, हम लोग उतना नहीं कर पा रहे, लोग को बुलाने से वहाँ पहुँचते नहीं हैं। तो जो मैंने 4 ऑप्शन बताए हैं आप लोग को वही सफिशियंट है, उतना ही आप लोग करेंगे अगर अच्छे से ईमानदारी से, तो निश्चित तौर पर 1 से 2 महीने में भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होगी होगी, सरकार को लेना पड़ेगा। तो भर्ती से संबंधित मैंने बहुत सारी जानकारियां आपको दे दी हैं, जो मेरे सुझाव थे 4-5 सुझाव वो भी मैंने आप लोग को दे दिए हैं, आगे भी मैं वीडियो में जानकारी दूंगा और इस मुद्दे को उठाऊंगा। तब तक क्या कहिए, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।